तो स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्त लोग, तो आज का तो ये देखिए दोस्त लोग, तो एक छोटा सा टेबल रेडी करने के लिए मैंने वुड रेडी किया है। तो मशीन यहाँ पर है, तो यही मशीन में इसमें फिट करके देखूँगा, फिट करके देख के एक टेबल बना के कैसा होता है देखेंगे। तो कटिंग अगर फिटिंग हो गया, अच्छा सा हो गया, तो दोस्त लोग इसमें कटिंग करने को मज़ा आता है। जो जितना भी मेजरमेंट में कटिंग करो, एकदम सीधा कटिंग होता है, एक ही साइज़ में होता है। तो चलिए दोस्तों, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ ये टेबल बनाने के लिए।
Yeah,
तो अभी ये मशीन को भी मैंने इस तरीके से जोड़ा है दोस्त लोग, यहाँ देखिए। ये वुड का सपोर्ट से मैंने, ये जितना भी वुड लगा है इसका सपोर्ट से मैंने मशीन को जोड़ा है। तो चलिए दोस्त लोग, तो मेरा जो कटिंग वुड कटिंग करने वाला जो मशीन मैंने, मशीन का जो टेबल मैंने रेडी किया है, जो उसी में मैंने मशीन भी मैंने फिट कर दिया है। तो एक ऐसा मैंने टेबल रेडी किया है। तो दोस्त लोग, ये टेबल बनाने के लिए मैंने फिर सिंपल टेबल बनाया, कोई मैंने इसमें मेहनत नहीं किया उतना ज़्यादा। ऊपर मैंने एक प्लाईवुड लगा दिया, नीचे जितना भी था वो पाइन वुड जैसा था वो मैंने लगा दिया, उसका बॉटम सटम लगा के मैंने एक छोटा सा रेडी किया। तो ये रेडी करने का जो मकसद था मेरा कि अब ये रेडी किया तो मुझे कोई भी चीज़ काटने में आसान होगा, तो ये सोच के मैंने बनाया। तो पहले भी मैं कटिंग करता था, मैंने वो हाथ से कटिंग करा था। उस टाइम थोड़ा क्या होता था कि उसको मेजरमेंट करो, मेजरमेंट करने के बाद उसके ऊपर फिर एक वुड लगाओ एक स्केल के लिए, उसके बाद कटिंग करो, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मैंने वो स्केल जैसा रेडी किया है उसको जितना मेजरमेंट काटना है वही हिसाब से मैं इधर डाउन कर सकता हूँ, छोटा काटना है तो, ज़्यादा काटना है तो थोड़ा ऊपर ले जा सकता हूँ। तो ऐसा करके मैं जल्दी जल्दी में कटिंग कर सकता हूँ। फिर इसमें कटिंग करने के क्या होता है कि अरे करेक्ट साइज़ आता है, जो भी कटिंग करो करेक्ट साइज़, मिस्टेक नहीं होता है। मगर बड़ा बड़ा प्लाईवुड मुझे कटिंग करना पड़ा तो शायद इसमें होगा, वो तो मैंने नहीं किया है। मैंने ये किस लिए बनाया कि छोटा मोटा जैसे यहाँ
जैसे फूल का स्टैंड, फूल रखने वाला स्टैंड, वुड का, जैसे वुड का लैम्प या कोई भी चीज़ छोटा मोटा कुछ भी बनाना है तो मैं इसमें आराम से कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। तो दोस्त लोग, इसमें बनाने में उतना मुझे टाइम भी नहीं लगा। फिर एक बात है कि ये मैंने पूरा सिंपल बना दिया है, इसमें ना तो मैंने बॉक्स बनाया, कोई मैंने अंदर उस साइड इस साइड मैंने बंद किया, कुछ भी नहीं किया, एकदम खाली खाली छोड़ दिया। सिर्फ यहाँ थोड़ा सामान रखने के लिए बना दिया और वो दीवार बंद कर दिया, उतना ही। बाकी टेबल है, सिंपल टेबल है। फर्स्ट फर्स्ट मैंने ये जब मशीन बनाने के बाद मैंने कटिंग किया तो उतना अनुभव नहीं था, क्योंकि मैंने हाथ से तो कटिंग करते समय मुझे पूरा अनुभव हो गया था। मतलब ऐसा जब फिटिंग करने के बाद कटिंग करते समय थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटिंग कर रहा है या कटिंग करते समय खुद टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो गया तो मुझे धक्का दे रहा है, तो ऐसा हुआ, मुझे डर भी लगा पहले पहले। तो कोई भी चीज़ अगर मशीन, कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम चलाओ, चाहे ड्रिल मशीन, चाहे वुड कटिंग मशीन, टाइल्स काटने वाली मशीन, कोई भी फर्स्ट टाइम चलाने से दोस्तों ऐसा ही होता है, थोड़ा डर होता है। तो बाद में चलाते 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 आदत होने के बाद कुछ भी नहीं लगता है। तो ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम मुझे वैसा ही हुआ, थोड़ा डर लगा था। तो अभी मैं 3-4 बार काटने के बाद थोड़ा मुझे अनुभव हुआ कि ऐसा कटिंग करना है, इस हिसाब से जाना है, तो उसी हिसाब से मैंने कटिंग किया। तो मेरा जो ये स्केल बनाया है दोस्तों, तो ये स्केल भी मेरा अभी रेडीमेड मैंने बनाया है, उतना मैंने खास नहीं बनाया, एक बॉटम का सिर्फ मैंने रेडीमेड किया है। तो इसको मैं जब जिस दिन मैं वुड का काम मेरा स्टार्ट होगा उस टाइम ही मैं ये थोड़ा सा बना देंगे। तो अभी तो मैंने सिंपल किया है। तो दोस्त लोग, ये मैंने सिंपल बना दिया, इसका अभी यहाँ पर मुझे वो चाहिए स्क्रू सिस्टम का, थोड़ा टाइट करने वाला, लूज करने वाला, ये करना है। तो ये थोड़ा काम बाकी है और उसके बाद ऊपर क्लीन स्लीन करके उसको पूरा अच्छा सा बनाना है, उतना ही काम मेरा बाकी है दोस्तों। तो बाकी तो सब कुछ हो गया। तो चलिए दोस्त लोग, तो आज का वीडियो मेरा इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे।